बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम इंशाल्लाह क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट लेंगे और स्टार्टिंग टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक का करंट। इसकी बड़ी सिंपल डिफिनीशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charges is known as electric current. अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास लेट्स कंसिडर एक मेटालिक वायर है और इस मेटालिक वायर के साथ मैंने नीचे एक EMF सोर्स या एक बैटरी मैंने कनेक्ट की है। इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है ए। इस वायर में मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है ए। इस नेगेटिव टर्मिनल से जो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करते हैं उन चार्जेस को मैंने क्या नाम दिया है, क्यों नाम दिया है, क्यों हमारे पास क्या है, चार्जेस है। और कितने टाइम में ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करते हैं उसको मैंने नाम दिया है, कितने टाइम में ये पास करते हैं उसको मैंने नाम दिया है टाइम टी। अब कितने चार्जेस कितने टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करते हैं इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट की सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो गई कि मेटालिक वायर में अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ टाइम टी में कुछ चार्जेस क्यों जो है वो क्रॉस कर लेते हैं तो ये जो चार्जेस क्यों है जब हम इसको टाइम टी के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है अब उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यों डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है वो आपके पास है एम्पियर, और एम्पियर जो है वो बराबर है कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, या एम्पियर इज इक्वल टू कूलम डॉट सेकेंड ऑफ इनवर्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पेयर करंट कब होगा, 1 एम्पेयर, तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपके पास ये जो चार्ज है ये 1 कूलम का है, चार्ज अगर 1 कूलम हो और टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो तो आपके पास जो करंट होगा वो आपके पास 1 एम्पेयर होगा,